वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. टुडे वी विल कंटिन्यू द सेम लेसन, लेसन नंबर 6 इन सिविक्स. द नेम ऑफ लेसन इज वुमेन चेंज द वर्ल्ड. इन प्रीवियस क्लास वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द स्टीरियोटाइप एंड द स्कूलिंग एंड एजुकेशन टुडे ऑफ गर्ल्स एंड वुमेन्स. ठीक है, तो हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था गर्ल्स और वुमेन की एजुकेशन कैसे चेंज हुई, लेकिन आज भी क्या है गैप्स है गर्ल्स और बॉयज के बीच में. लेकिन फिर भी डे बाई डे क्या हुआ, वुमेन्स या गर्ल्स की जो सिचुएशन है वो क्या होगी, अपलिफ्ट हो गई, उनकी कंडीशन पहले से बेटर हो गई है. लेकिन वो जो कंडीशन है वो अपने आप अपलिफ्ट नहीं हुई, उसके लिए वुमेन्स ने क्या किया, बहुत स्ट्रगल किया, बहुत सारे मूवमेंट्स को क्या किया, चलाया अपने लिए. ठीक है, तो एक अब आज का जो हमारा लास्ट टॉपिक है, टुडे का लास्ट टॉपिक इज कैंपेन. कैंपेन इज द पार्ट ऑफ वुमेन मूवमेंट. कैंपेन क्या है, वुमेन मूवमेंट का एक पार्ट है जिसमें क्या है मेल्स या फीमेल्स क्या करते हैं वुमेन की कंडीशन को अपलिफ्ट करने के लिए क्या करते हैं स्ट्रगल करते हैं या अपने बहुत सारी जो इश्यूज हैं उनको पब्लिक के सामने रखते हैं. तो देखो अब सबसे पहले जो वुमेन जो कैंपेन रहे हैं उसमें फर्स्ट है डोगरी डेथ. डोगरी मीन दहेज. ठीक है, तो जो डोगरी डेथ है वो 1980s में क्या हुआ, वुमेन्स ने क्या किया स्पोक आउट अगेंस्ट दी डोगरी डेथ. वुमेन्स ने क्या किया डोगरी डेथ के अगेंस्ट क्या किया स्पोक आउट करना स्टार्ट किया. इसमें जो क्या है जो यंग ब्राइड्स हैं दे वर किल्ड बाय देयर इन लॉज एंड हस्बैंड. इसमें इन केसेस में क्या होता है कि जो इन लॉज हैं जो यानी कि ससुराल वाले या हस्बैंड है वो क्या है यंग जो यंग ब्राइड्स हैं उनको क्या करते हैं किल कर देते हैं फॉर डिमांडिंग दी डाउरी. यानी कि डाउरी की डिमांड के लिए क्या करते हैं, अगर वो डिमांड फुलफिल नहीं होती तो वो क्या करते हैं यंग ब्राइड को किल कर देते. तो सबसे पहले 1980s में इसके लिए वुमेन्स ने क्या किया स्पोक आउट किया अपने लिए आवाज़ उठाई. नाउ सेकंड सेक्सुअल हैरेसमेंट 1997 में. अब जो सेक्सुअल हैरेसमेंट है इसमें क्या किया जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने क्या किया न्यू गाइडलाइन इशू की. इसमें देखो अगर कोई भी वुमेन है वो कहीं पे काम करती है यानी कि अगर उसके वर्किंग प्लेस में उसके साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट हो रहा है या वो कहीं पे बाहर जाके एजुकेशन ले रही है तो अगर उसके एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में या वर्किंग प्लेस में क्या हो रहा है कुछ सेक्सुअल हैरेसमेंट अगर उसके साथ हो रहा है तो वो क्या कर सकती है आवाज़ उठा सकती है इस इन एक्ट्स के अगेंस्ट. इन एक्ट्स में क्या होता है कि कुछ पनिशमेंट के क्या होते हैं प्रोविजन होते हैं. नाउ थर्ड लीगल प्रोटेक्शन टू वुमेन. द लीगल प्रोटेक्शन फॉर वुमेन एक्ट वॉज पास इन 2006. ये एक्ट कब पास हुआ था 2006 में पास हुआ. अब इस एक्ट में क्या है अगर वुमेन्स के साथ घर के अंदर भी अगर उनके फैमिली में भी अगर उसके हस्बैंड या फैमिली के थ्रू क्या हो रही है या तो उनका मेंटल या फिजिकल असॉल्ट हो रहा है या मेंटल या फिजिकल टॉर्चर हो रही है तो वो क्या कर सकती है अपने अगेंस्ट क्या कर सकती है आवाज़ उठा सकती है सुप्रीम कोर्ट में या जो भी स्टेट कोर्ट जो जहाँ भी वो जा सकती है अपने लिए क्या कर सकती है जस्टिस की डिमांड कर सकती है. अब धीरे धीरे ये जो इश्यूज हैं ये क्या हो गए, देखो पहले वुमेन्स ने क्या करा डोगरी के लिए स्पोक आउट आवाज़ उठाई. फिर उसके बाद जब अपने ही लेवल पे क्या करती है वुमेन काम करती है जब ये इशू सामने आते पब्लिक के सामने आते इन फ्रंट ऑफ पब्लिक ये सारे जो इशू पब्लिक के सामने आते तो गवर्नमेंट भी क्या करती है फिर उन इशूज़ की ओर ध्यान देती है और क्या करती है नए नए एक्ट पास करती है. उन एक्ट में क्या होता है पनिशमेंट का भी प्रोविजन होता है अगर वुमेन्स के क्या कुछ राइट्स अगर क्या हो रहे वॉयलेट हो रहे हैं. तो अब जैसे देखो पहले डोगरी डेथ के लिए वुमेन्स ने आवाज़ उठाई फिर उसके बाद देखो सेक्सुअल हैरेसमेंट जो लॉ था 1997 में पास हुआ इसमें क्या हुआ जो वुमेन घर के बाहर काम करती है अगर उनके साथ कोई हैरेसमेंट हो रहा है तो उनको क्या मिलेगी पनिशमेंट मिलेगी जो उनके साथ हैरेसमेंट कर रहा है. फिर उसके बाद जो लीगल प्रोटेक्शन टू वुमेन है 2006 इसमें अगर घर के अंदर भी अगर फैमिली में या हस्बैंड कोई भी क्या कर रहा है उनको मेंटली या फिजिकल टॉर्चर कर रहा है असॉल्ट कर रहा है तो वो क्या कर सकती है अपने लिए जस्टिस की डिमांड कर सकती है कहाँ जा सकती है कोर्ट में जा सकती है. ऐसे करके जो वुमेन्स हैं उन्होंने क्या करा अपनी लाइफ को चेंज किया. दैट्स ऑल फॉर टुडे. इफ यू हैव एनी क्वेरीज फील फ्री टू आस्क मी. सर ऐसे बताया कर